नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ढलान वाले खेतों में जब अपन पानी पिलाते हैं तो लगभग लगभग सभी खेतों में गलियां पड़ने लग जाती है, और जो अपन क्यारे डालते हैं इसमें उसमें अच्छे से पानी नहीं जाता है और वो कहीं कहीं पर छूट जाता है। तो उसके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा मतलब और शानदार जुगाड़ लेके आया हूँ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये अपन जब किसी की बुआई करते हैं, जैसे कुछ भी फसल, जैसे सरसों बो रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं, तो बुआई करते समय एक चीज़ का अपन ध्यान रखना पड़ता है कि अपन क्या करते हैं जब बुआई करते हैं और क्यारे डालते हैं। तो लगभग सभी किसान जो छोटे किसान हैं ट्रैक्टर के जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर से लगभग उसमें पतरे वगैरह लगा के और जुगाड़ से क्यारे बना लेते हैं। तो जो छोटे किसान भाई हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ है, और जो बड़े किसान हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन जुगाड़ है। जैसे कि ढलान वाले खेतों में अपन मतलब परेशान हो जाते हैं पानी पिलाने से। तो आज हम बात करेंगे इस जुगाड़ के बारे में, क्योंकि लगभग सभी किसान जो बड़े होते हैं उनके पास में तो मिल ही जाता है, और इसे जिसे अपन हैरो बोलते हैं, और बहुत ही मतलब अच्छे क्यारे इसमें से पड़ते हैं जिससे कि पानी एकदम पूरे क्यारे में भरा के जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार के इसमें से क्यारे पड़ते हैं, जैसे कि कल्टीवेटर का यूज़ अपने को नहीं करना होता है। और ये जो हैरो आता है लगभग 13 से 14 हज़ार समथिंग में आ जाता है छोटा वाला, और जो बड़ा हैरो आता है उसकी कीमत लगभग 17 से 18 हज़ार समथिंग होगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार का हैरो और किस प्रकार का आपको हैरो बनवाना है जिससे कि पूरा क्यारा एकदम पानी भरा के जाए, जिससे कि गलियां वगैरह इसमें नहीं पड़े। तो दिखाता हूँ भाई, कुछ इस प्रकार का ये हैरो है जो कि आप देख लें, ये अभी 4 से 5 फुट के समथिंग इससे बनाया गया है, छोटा हैरो ये है। और आप इसमें बड़ा हैरो भी आप बनवा सकते हैं, 6 से 7 फुट का भी बड़े ट्रैक्टरों पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे ये क्या है कि पहले ही बनवाया हुआ है, तो इस प्रकार का ये हैरो है और लगभग इससे बहुत ही शानदार बेहतरीन क्यारे से पड़ते हैं और छोटे क्यारे पड़ते हैं, जैसे कि पूरा क्यारा पानी भरा के जाए। क्यारे भी मैं आपको दिखा दूंगा। और कल्टीवेटर से अब हम चलाते हैं तो कल्टीवेटर से क्या इस तरह की गलियां पड़ती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कुछ इस टाइप की इसमें गलियां पड़ी हुई है। अपन जैसे जुताई करते हैं, हकाई करते हैं, तो इस प्रकार की गलियां उससे कल्टीवेटर से पड़ जाती है और केवल क्यारे क्यारे पड़ते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार का ये हैरो और इसमें किस तरह का जुगाड़ किया गया है, किस तरह से इसे बनाया गया है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये 1 mm की पूरी मोटी परत वाली है जो इसमें लगी हुई है, और सारी मिट्टी इसी से साइड लगती है। जैसे कि पूरा कुछ इस तरह से देखिए, अब अभी मैंने इसको नीचे रख रखा है, ऊपर उठाकर मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इस तरह से मैंने इसको रख रखा है और पूरी मिट्टी मतलब अच्छे से कवर करके और ये डोली बनाता है। और जिस तरह मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पूरा क्यारा पानी कैसे भरा के जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से। ये देखिए पूरा एकदम खाली है, ना कि इसमें कोई टाइल वगैरह इसमें कुछ लगी हुई जिससे कि गलियां वगैरह इसमें पड़े। और जो नीचे की मेन बात है कि पूरा क्यारा एकदम कवर कैसे होगा, प्लेन कैसे होगा, तो ये इस तरह की इसमें एंगल एक मैंने लगाई रखी है जो कि अभी दबी हुई, मैं इसको मतलब उठा के भी आपको दिखाऊंगा। और पीछे की साइड में आप इस तरह का एक लकड़ा वगैरह कुछ जुगाड़ कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत अगर कहीं पर रह जाए तो मिट्टी पूरी खिसक जाए साइड में। और क्यारे किस प्रकार के पड़ते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और मेन बात किसान भाइयों, अगर आपके खेत में खरपतवार या कचरा वगैरह भी, जैसे कि घास फूस भी उगी हुई है, तो वो भी मतलब साइड हो जाती है, अच्छे से में घास फूस नहीं आती है। देखिए आप, पूरी घास भी एकदम बाहर निकल के पड़ी हुई है जो कि अंदर दबी हुई नहीं रहती। और क्यारे कुछ इस प्रकार के इसमें बन जाते हैं क्यारे, देखिए आप कहीं पर भी आपको इसमें गलियाँ वगैरह नहीं दिखेगी और पानी पूरा एकदम कंवर होकर इसमें से जाता है। कुछ इस प्रकार के क्यारे मैंने बना रखे हैं, देखिए आप, और पूरा कंवर होकर इसमें से पानी जाता है। और किसान भाइयों, हैरो चलाने से पहले मैं आपको ये भी दिखा दूँगी इसको किस प्रकार से सेट करना है अपने ट्रैक्टर पे। जैसे कि मैंने ये कुछ इस तरह की गुल्ली वाला जुगाड़ मतलब मैंने बनवा रखा है, जिससे कि ये थोड़ी मजबूती इसमें आ जाती है। और ऊपर जैसे अपन हैरो को सेट करेंगे तो इसको कुछ इस प्रकार से सेट करना है कि ये थोड़ा आगे की तरफ जुगा रहे, जिससे कि डोलियाँ वगैरह अपनी हैवी पड़े, ऊँची पड़े, बड़ी पड़े। और ये देखिए आप, पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये झुका हुआ है, इस प्रकार से ये होना चाहिए जिससे कि डोली एकदम अपनी बड़ी पड़े। और अभी मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये काम करता है।
तो किसान भाइयों देखिए आप, कुछ इस प्रकार का ये है, और जिसमें एंगल की बात कर रहा था, आप कुछ इस प्रकार की लगवा सकते हैं। छुरी टाइप होती है तीखी आगे से इस प्रकार से, और वापस इसको कवर करने के लिए जो मिट्टी पीछे की साइड में डालती है उसको इस टाइप से वी टाइप से इसको बनाना है कुछ इस प्रकार से देखिए आप, जिससे कि मिट्टी अच्छे से मतलब बिखर जाए पूरी। और कुछ इस प्रकार का ये हेरो बनाया हुआ है। तो किसान भाई हूँ, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।